सही हो गया सर। ठीक है जी सर। केमिस्ट कौन है आपके? पुलिस केमिस्ट। फैसलाबाद से किया केमिस्ट्री। और वो जो लड़का है वो दूसरा एमएससी है, वो एमएससी केमिस्ट्री है, तो उसे बुलाएं। बुला लो। फोन चाहिए। चीज आप कर रहे हैं क्या? वो जरूरी बाहर जाना है, यहाँ बैठना जरूरी है। ये भी अंदर की मिस्ट्री है। आप देख सकते हैं। ये भी है। आप ये मिस्ट्री है मिस्ट्री। आप क्या हैं? सर मैं बायोगैस की चार्ज बायोगैस मार्केट। क्योंकि ये यहाँ बैठना जरूरी है मिस्टर। आपका क्या नाम है? आपका कहाँ से? वाली अब आप नहीं जाएंगे। ठीक है। हाँ। है? जी सर। पहला सवाल ये है मेरा, आप हैं केमिस्ट, मुझे बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट इन योर इंडस्ट्री? एनालिसिस। चौकीदार को भी पता होगा। आपका काम है, आप जो भी कुछ करते हैं आपका काम है टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। ठीक है क्या? टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम कोरोजन, एरोजन एंड स्केल फॉर्मेशन। आपकी टोटल प्रॉपर जिम्मेदारी फैक्ट्री की है। ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ना कि जी बॉयलर के अंदर जो केमिकल डालते हैं, हमारे पास केमिकल इंजीनियर आता है, वो कहता है मेरा अच्छा है, वो कहता है मेरा अच्छा है, मैं आपको इतने का दूंगा, वो कहता है मैं इससे सस्ता दूंगा। ठीक है ना? तो ये काम बुनियादी तौर पर इनका नहीं है। इनका काम है बॉयलर को ऑपरेट करना प्रॉपर तरीके से इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बकाया तमाम काम आपका है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम कोरोजन, एरोजन एंड स्केल फॉर्मेशन। ठीक है ना? तो पहला सवाल ये होता है कि भाई कोरोजन क्या है? तो हम कहेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है ना? अब केमिकल प्रोसेस क्या है कि ये मेरे पास एक बर्तन था, एक बीकर है, मैंने इसके अंदर मैंने डाल दिया HCl, इसके अंदर मैंने एक लोहे की रॉड डाल दी, तो इसके अंदर डिजॉल्व होती रहेगी, डिस्ट्रक्शन होती जाएगी, ये रॉड इसके अंदर डिजॉल्व होती जाएगी, मेटल तबाह होती जाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे? थ्रू केमिकल प्रोसेस। थ्रू केमिकल। दूसरी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल से मुराद क्या है कि एक कैथोड बन जाए और एक एनोड बन जाए। ये कब बनेगा? ये जब बनेगा कि ये पानी दो हिस्सों में डिसोसिएट हो जाए, पानी दो हिस्सों में टूट जाए। ठीक है ना? और ये कैसे टूटेगा? आपका जो बॉयलर है या आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो मेटलर्जी है ना, उसको हम कहते हैं एलॉय। क्या कहते हैं? एलॉय। जब हम इसको एलॉय कहते हैं तो इसके अंदर क्या चीज होती है? इसमें डोमिनेटेड होते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। ये चार कॉमन मेटल्स होती हैं जिनकी कंपोजिशन डिपेंड करती है। अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं बॉयलर की, ठीक है ना, तो मैं बॉयलर के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका सवाल था ये। तो ये बॉयलर के जो प्रेशर होता है ना, कि कुछ लो प्रेशर होते हैं, कुछ मीडियम प्रेशर होते हैं, कुछ हाई प्रेशर होते हैं, तो ये जब डिजाइन किए जाते हैं ना प्रेशर वाइज, तो उसके अंदर इन कंपोजिशन का ख्याल रखा जाता है। जब बहुत हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं
उसके अंदर क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाता है क्रोमियम की मात्रा को कम किया जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास एक ये मेटल है तो ये एलॉय है तो उसमें कॉपर भी है और आयरन भी है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उससे कम की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो जब आप बॉयलर के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, तीन चीजें जिसकी वजह से क्रूजन होने के इम्कान होते हैं, वो क्या चीज है, पहला पानी, दूसरी मेटल और तीसरी ऑक्सीजन। इन तीनों में से एक चीज खत्म कर दें कभी क्रूजन नहीं होगा। तो ना पानी खत्म कर सकते हैं ना मेटल खत्म कर सकते हैं, क्या खत्म कर सकते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खत्म कर सकते। तो पहला तो हमें ये पता चला कि हम जो पानी इस्तेमाल करें बस उसमें से किसी तरह ऑक्सीजन नहीं हो या ऑक्सीजन को खत्म कर दें। अब उसके लिए केमिकल खरीदते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन से दोनों जी बेटा, ऑक्सीजन से पहले तो मुझे ये बताइए कि जो यहां तक मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया है? जी सर आ गया भाई। अभी तो आपने जो सवाल पूछना हो ना मुझसे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन जब आप ये कह देना कि जी मुझे समझ में आ गया और फिर मैंने पूछा ना फिर ये बाकी पाकिस्तान में पूछ लेंगे डॉक्टर साहब। क्या आपका सवाल ये था कि जी एक होता है डिओ डिजोल्व ऑक्सीजन, एक होता है फ्री ऑक्सीजन, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, तीन चीजें मेटल पानी ऑक्सीजन, तो हमें इसको खत्म करना है, ठीक है ना। अब हम मैंने अभी आपको बताया कि एक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम क्रोमियम ये बेसिक मेटल्स हैं जो किसी भी एलॉय के अंदर होती है। जिससे कम होती है ये आपकी एक इनकी, या तो आप इसको बॉयलर ट्यूब समझ लें अपराइजर समझ लें या इसको आप बॉयलर ड्रम समझ लें जिससे पानी भरा हुआ है। एक इसमें यहाँ पे आयरन भी है तो कॉपर भी है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एक की कम है, इलेक्ट्रॉन्स फुल होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फुल होंगे ना तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है कि जो मैं इसमें पानी दूँ ना इस्तेमाल करने के लिए इनकी इंडस्ट्री को, वो ऐसा साफ नहीं होना चाहिए जैसे ये क्रिस्टल क्लियर, बल्कि ऐसा पानी हो कि जिसके अंदर कंडक्टेंस ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना हो सके, यानी जीरो कंडक्टिविटी का पानी हो, ठीक है। किसी जीरो कंडक्टिविटी के पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो पहली शर्त क्या हो गई, इनकी डिमांड क्या है, इनकी डिमांड यह है कि मुझे पानी में आप मुझे ऐसा पानी दें कि जिसके अंदर कंडक्टिविटी ना हो। फिर आप मुझसे पूछें कि मैंने बॉयलर सही चलाया इन चलाए, पानी तो दे इनको 5000 कंडक्टेंस का, और इनसे कह दिया आपने बॉयलर खराब कर दिया तो ये जिम्मेदार थोड़ी है, केमिस्ट जिम्मेदार है ना, फिर ये तो आपसे पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी क्यों। अब यहां ये समझ लें आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए और फ्लो होने के बाद क्या हुआ, एक ये दो पॉइंट हम कंसीडर कर लें। अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगा देना और इस पानी के अंदर कंडक्टेंस ना हो, कोई कंडक्टिविटी नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे। या आप सीरीज में वोल्ट लगा दें बल्ब नहीं चलेगा, लेकिन अगर इसके अंदर मैं जरा सा नमक डाल दूं तो कंडक्टिविटी आ जाएगी है? जब कंडक्टिविटी आ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू जाएंगे और मेरा बल्ब जल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा पहला काम क्या है कि इसके अंदर जो पानी है उनको बॉयलर में ले, अगर इसके अंदर कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो फिनोमेना क्या है,
पानी दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक ओए चैलेंज में और एक कैचेंज में, ठीक है? तो एक एनोड बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा। जब एक एनोड बना और एक कैथोड बना, तो ये आयरन जो ये जो ओए चैन है, ये इसके साथ शामिल हो जाएंगे, यानी ये फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और फर्दर फेरस हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना पड़ा? पहले पहला स्टेप क्या हुआ? पानी के अंदर कोई कंडक्टिविटी नहीं हो, ठीक है? अगर कंडक्टिविटी हुई तो केमिस्ट्री बिजार रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? दूसरी चीज ये कि जब कंडक्टिविटी नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा। जब ये रिएक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से जो क्रूजन होना था वो नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैल्वानिक एक्शन। क्या कहते हैं? गैल्वानिक एक्शन। ये क्या कहलाता है? गैल्वानिक एक्शन। क्या आ गया आपका? आगे समझो बात। हम ये चाहते हैं कि कंडक्टिविटी नहीं हो, पानी में से पानी डिसोसिएट नहीं हो दो हिस्सों में। अब अगर मजबूरी है कि मुस्तकिल पानी को एवपोरेशन भी देना है, स्टीम बनानी है, तो कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी तो होगी। जब कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी तो डिसोसिएशन भी होगी। जब डिसोसिएशन भी होगी तो ये भी बनेगा, ठीक है ना? और OH आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन जो है ये कॉपर पे जाके लिबरेट हो जाएगा। जब ये इस पे जाके लिबरेट होगा तो हाइड्रोजन गैस इज अ बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जब नहीं होगी तो क्या होगा? इसके अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्ट करेगी और दोबारा पानी बन जाएगा, ठीक है? ये दोबारा पानी बन गया, यानी जो आपके पास एक मेटल था उसके ऊपर आपने प्लास्टिक चढ़ा दी तो फिर तो करंट नहीं लगेगा ना, ठीक है ना? जब हाइड्रोजन लिबरेट हो गई उसके ऊपर तो उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ गई, अब प्रोसेस रुक गया था। लेकिन चूंकि ये ऑक्सीजन मौजूद थी, ये उसके साथ रिएक्शन किया और दोबारा पानी बन गया, वो मेटल दोबारा बेयर हो गई, ये प्रोसेस डिसोसिएशन का दोबारा शुरू हो गया। तो पहला मसला क्या हुआ? लेस कंडक्टिविटी। दूसरा मसला क्या हुआ? नो ऑक्सीजन, ठीक है? दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि ये दोनों काम तो हमने कर लिया, लेकिन अब हम कोई एहतियाती तदबीर भी इस्तेमाल कर लें। कोई एहतियाती तदबीर भी कर लें कि अगर ये सब कुछ हो तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी प्लास्टिक होनी चाहिए बॉयलर के अंदर जो हम उसके ऊपर चढ़ा दें किसी तरह,